So sir like when you are uh, experiencing something like this at a young age and you have been put into a very controlled environment which is the INA where you did your education and you have experienced all sort of intense moments at a young age, it was uncontrolled environment, police, gangsters, illegal activities or then suddenly you to INA, aagai, one of the best defence coaching academies of the country, everything is very strict, very rigorous but at the same time it's very controlled, how <laughs> did that shape you? So yeah so uh, it was difficult you know I won't uh, shy away from say, saying that because I an uncontrolled environment mein hai. and then uh, uh, post post grad after my graduation that is uh, you know after I went to INA after my engineering so engineering may be up hostel may you know rahke, you are like living that life and mm. finally when you are in the fourth year of engineering aap to baap ho, engineering college because you are the senior most I was also. जनरल सेक्रेटरी एंड सो मेनी थिंग्स ये सब करके हॉस्टल में भी फाइनल ईयर वगैरह में दस साढ़े दस के पहले उठते नहीं हो कॉलेज जानेट्रोल्ड एनवाइ टोटली वेयर यूर वेकअप टाइम इज फोर थर्टी मॉर्निंग फोर थर्टी इन द मॉर्निंग फोर थर्टी पहला जो ये होता है एंड वो भी प्यार से कोई नहीं उठाएगा पहला बेल है बजेगा नहीं उठा दैट इज यू 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 है चांस नॉट गेटिंग अप एंड देन फर्स्ट ट्रस्ट मी फर्स्ट मंथ वॉज हॉरीबल हॉरीबल मतलब उसके पहले आप हॉस्टल में भी कैसे आप रहे हो तो यूर uh, क्लोथ uh, है आपका क्लोथ यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है mm. and suddenly, कोई सडनलीट आई uh, था तो mm. वो बेचारा प्रेस बिस करके कपड़े रख के और सोता था वेरी ग्रेट गाय उठने के पहले दूसरे लोग कपड़े पहन के निकल जाते थे तो वी हैड लिव्ड एंड देन यहाँ ऐसा कंट्रोल्ड इसमें पनिशमेंट्स सो आई रिमेंबर फर्स्ट लाइक वेन वी वे दे इट वॉज अ डोमेट्री डोमेट्री थर्टीन ऑफ आर कोर्समेंट्स यूज टू बी यू नो स्लीपिंग दैट डोमेट्री एंड वी हैड वन सेट ऑफ वॉशरूम्स दैट साइड एंड यहाँ पे एक सीनियर रहता था एंड ऐसे दैट वॉज द अरेंजमेंट अब यू नो सो

एक स्टेज hmm. के बाद यू ऑल बात टुगेदर सब नंगा खड़े एंड यू नो उसके पहले किसने आपको लाइफ में नंगा नहीं देखा होगा देन योर एंड इफ यू हैड अ गर्लफ्रेंड तो ये uh -huh. तो, you know, तो शाही होगा एक दिन uh -huh. बाद में तो एवरी वन इज वॉकिंग अराउंड लाइक कोई किसी को साबुन लगाए गए बिल्ड अ कोस्टमेट कल्चर ओके okay. फौज में वेन यू गो फॉर अ वॉर और एनी वेयर यू आर कोस्टमेट्स यूर जो बैचमेटमेट दे बिकम एवरी थिंग फॉर यू तो उसके लिए बोलते हैं ना यू विल किल फॉर यू विल डाई यू यू विल नो डाई फॉर दैम दैट इज वॉट इज द प्रिंसिपल वेयर दैट कोस्टमेट कल्चर इज बिल्ड द दॉी कल्चर और ओके एंड इवन टूडे लाइक वी जस्ट सेलिब्रेटेड ट्वेंटी फाइव इयर्स ऑफ अवर कमिशनिंग अभी जनवरी में आज भी जब हम मिले थे पीपल हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर दर्ल्ड लॉट ऑफ देम मार सेटल्ड अब्रॉड फ्यू ऑफ देर सीनियर ऑफिसर्स इन नेवी लेफ्ट ऑल ऑफ एस आर एट गुड पोजिशन जब हम आके मिले पच्चीस साल बाद दो दिन रहे कोलाबा में यूएस क्लब में भी अभी भी वैसी पच्चीस साल पहले का ना पीपल आर जस्ट अब यूजिंग ईच अदर किसी को ये कर रहा है किसी का कुछ छुपा रहा है अरे इट वॉज फो दैट इज वॉट दे बिल्टन देर राइट कि पहला आप एक महीने में आपका जो भी शाइनेस है ये है एंड फौज का कल्चर इज लाइक आपको पनिशमेंट मिलता है इट इज लाइक वन विल नॉट गेट पनिशमेंट पूरा कोर्स गेट पनिशमेंट दैट इज नॉट दे बिल्ट इन कोर्समेट का जो कल्चर होता है ना कि यूर कोर्समेटरी बंद कुछ फिर इट इज नॉट दैट गाई विल गेट पनिशमेंट इट इज यूर एंटायर कोर्स विल गेट पनिशमेंट एंड मेनी टाइम वी विल नॉट रियलाइज चल क्या रहा करके वाई आर बी बींग इन पनिशमेंट यू नो आप पनिशमेंट ड्रेस में हो कोई भाग रहा है कोई रोल कर रहा है एंड देन सडनली शाम को आके पता चलेगा कि बिकॉज दिस बगर डिट समथिंग समवेर एल्स इन दी अकेडमी एंड देट इज़ वाई द एंटायर कोर्स इज पनिश्ड सो दैट सेंस ऑफ यूनिटी इज लाइक ड्रिल्ड इंडिया और पर तभी सर वन यू अर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ई ईयर

Uh, हमने कभी लाइफ में कटलरीज नहीं देखे थे एंड यू आर ईटिंग इन अ डाइनिंग मेस विद सो मेनी कटलरीज ऑमलेट के लिए अलग कटलरी एंड कटलरी चेंज हुआ फोक नाइफ डिफरेंट हुआ तो भी पनिशमेंट ओके एंड देन यू नो द वे जो आप पहले पॉरिज वगैरह खाते हो पॉरिज वगैरह जिंदगी में देखा नहीं था <laughs> वहाँ जाके वो स्टार्ट विद अ पॉरिज पॉरिज का अलग स्पून होता है सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पून एंड कटलरी एक भी आपने गलत ले लिया तो योर डे का मील इज डन ओके सो बेस्ट ऑफ द फूड्स यू नो ओके बोलते हैं ना ताज स्टैंडर्ड वाला खाना होता है प्रोटीन रिच न्यूट्रिशियस इट इज प्लान दैट वे ओके एंड देन सात आठ दस मिनट होता है ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन इमेजिन कि आप कटलरी गलत चूज किए और स्टीवर्ड्स भी जो होते हैं वहाँ पे दे आर नेवल स्टीवर्ड्स okay. दे आर यूनिफॉर्म स्टीवर्ड्स कैडर्स होते हैं उनके फूड कैडर होता है

तभी आठ सात ये पहले एक एक जमाने में आधा आधा घंटा लगता था यू नो इट्स यू एडेप्टेबल नो सर क्योंकि एज यू राइटली सेड क्योंकि अगर टाइम आपके पास आधा घंटा है पर सडनली कुछ तो वॉर सिचुएशन हो गया एंड दैट हाफ एन आवर गोज टू वन मिनट और थर्टी सेकेंड्स आपको वो सेम टास्क को थर्टी सेकेंड में कंप्लीट करना ही है यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ एंड दे टीच अदर देन दैट आल्सो पनिशमेंट कमरादरी सो एकेडमी में यू हैव डिफरेंट स्क्वाड्रन्स अभी तो और भी बहुत ज्यादा हो गया सो वो कल्चर दे बोलते हैं ना कि जैसे इफ यू फॉलो फुटबॉल तो हम क्लब कल्चर होता है आई है तो टीम कल्चर सो यू गिव एवरी फॉर योर पल्टन राइट वेन वी सेमक निशान बोल के जो फौज में बोलते सो दैट मीन फॉर योर यूनिट यू डू एवरी थिंग यूनिट के नाम के लिए नमक के लिए और निशान निशान इज योर फ्लैग सो वी गेट ड्रिल्ड विद दैट स्क्न के लिए सब कुछ स्क्वाड्रन थिंगरी वेरी हाई इन अकेडमी अगर हमने आई वॉज फ्रॉम दिगेट तो मैं येलो आर कलर वॉज येलो तो ये सब एवरी थिंग वॉज येलो येलो झंडे के लिए पीपल विल डाई ऐसे वाला एंड अदर्स वेर रेड ओके

एंड वेरी ब्यूटिफुल्ड आउट अ पर्सनैलिटी फ्रॉम यू नो आपने जो नहीं सीखा है स्पोर्ट्स यू प्ले बिकॉज यू नो हॉकी एंड ऑल हम कहा खेले स्लम्स में ना फॉर इट वॉज गली क्रिकेट उससे ज्यादा हम लाइफ में कभी बड़े नहीं कबड्डी खो खो होता था स्कूल में सो आई लर्न मोस्ट ऑफ द गेम इन फॉर्ज स्कवास टेनिस हुआ बैडमिंटन सी एनीथिंग स्विमिंग फॉर दैट माट मैटर ऑल गेम्स पूरा

इंग्लिश वॉज यू नो बिकॉज कोई भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो टिपिकल छोटे स्कूल में होता है ना yeah. uh, यारे अंग्रेज आ गया सो इंग्लिश वॉज सो फंडिकल्टो सॉरी कस्ट वर्ड्स होगा सो ये सब वहीं से सीखे फर्स्ट इज ओरिए फोज कल्चर नो अबाउ नेवी नेवी के कल्चर ये देन दे नेवी इज टेक्निकल ने फुल टेक्निकल एंड आई एम एन इंजीनियर सो दे ग्रूम यू इन टू यूर टेक्निकल प्रोफेशन लाइक आई वॉज फ्रॉम दी इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल्स कैडर सो फिर उसके बाद जो अकेडमिक की ट्रेनिंग वी डू अ स्पेशन पी जी स्पेशलाइजेशन इन वन ऑफ अर यूनिट वेयर यू गेट टू नो अबाउट दिजाइल दिप्स के जो भी है शिप इज अटी ना जब हम यहाँ बैठे तो शिप का एक पावर जनरेशन हो शिप इज़ अ सेल्फ

रडार से लेके यू हैव स्टेल्थ मोड तो अपने आप अपने को बचाना दूसरों को मारना मतलब यू नो ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज द बिगेस्ट शिप यू हैव बीन ऑन सो सो आई वाज देयर फॉर देयर ऑन विराट फॉर सम टाइम आईएनएस विराट आईएनएस विराट सो क्या हुआ था कि यू नो इट वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट वेयर इन माय आई वाज सपोज्ड टू गो ऑन सम अदर शिप दैट शिप वाज नॉट अवेलेबल सो आई वाज ऑन विराट फॉर दैट मच ऑफ टाइम ओके